प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब जानते हैं कि और एक दो दिन में क्रिसमस है। ये क्रिसमस के समय में बहुत सारे घरों में एक तरफ सेलिब्रेशन, नए कपड़े बच्चों को दिलाते हैं, केक, खाना, सब कुछ यीशु मसीह के जन्म के बारे में सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे चर्चेस में, और दूसरे तरफ कई घरों में लड़ाइयाँ, झगड़ा, मारपीट, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, असमाधान, डिप्रेशन से गुजरते हैं। इसे ही हेरोद की आत्मा कहा जाता है। हेरोद की आत्मा क्या है? क्रिसमस के समय में ही खास करके बहुत सारे विश्वासियों के घर में लड़ाइयाँ, झगड़े होते हैं, असमाधान होती है। हेरोद उस समय में यरूशलेम में राजा था। कुछ ज्योतिष आकर हेरोद से पूछने लगे, यहूदियों का राजा कहाँ है? क्या सच में यहूदियों का राजा जन्म हुआ है इसी बेतलहम में? क्या यह सच है? इस तरह उसने अपने शास्त्री और याजकों को बुलाकर पूछा। तब उन्होंने पवित्र शास्त्र में से पढ़कर राजा से कहा, राजा, यह भविष्यवाणी सच है, हाँ, यीशु मसीह का जन्म होगा। हेरोद ने एक प्लान बनाया। उसने ज्योतिषियों से कहा, तुम जाकर यीशु मसीह को ढूंढो और यीशु मसीह का उपासना करो। अगर यीशु मसीह मिले तो मुझे कब्र बताना, मैं भी आकर तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह का उपासना करूंगा। जब ज्योतिष उस तारा को देखते हुए यीशु मसीहा के पास गए और यीशु मसीह की उपासना करने लगे, उसके बाद परमेश्वर का दूत ने आकर कहा, तुम राजा हेरोद के पास मत जाना, क्योंकि वो बालक को हानि करने वाला है, तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। और ज्योतिषियों ने परमेश्वर की बात मानकर दूसरे रास्ते से चले गए। हेरोद को पता चला, ये ज्योतिषी लोग ने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ है, मुझे नहीं बताया। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि यीशु मसीह बेतलहम में पैदा हुआ है। तब उसने एक बात कहा, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2:16 में इस तरह लिखा है, जब हेरोदेश ने यहाँ देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वहाँ क्रोध से भर गया और लोगों को बेचकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हेरोद ने क्या किया? यीशु मसीह की उपासना नहीं की। वो सोचने लगा, यदि एक राजा पैदा हुआ है तो वो मेरा स्थान ले लेगा, मेरा सिंहासन ले लेगा, मेरा राज्य को ले लेगा, उसीलिए वो बालक को मैं मार डालूंगा। कहते हुए क्रोध में आकर 2 साल या उससे कम बच्चों को उस बेतलहम में, उस यहूदिया के आसपास सारे जगहों में उनकी हत्या करने लगा। कितना दुख की बात है। उस समय एक भविष्यवाणी जो यिर्मयाह ने कहा था वो पूरा हुआ है। वो है, रामा में एक करुणा नद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यीशु मसीह पैदा हुआ है और यीशु मसीह को मारने के लिए राजा हेरोद ने अपने सैनिकों को बेचकर 2 साल से कम उम्र के बालकों को, बेतलहम और यहूदिया सब लड़कों को जो कि 2 साल से कम है, उन सबको मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को बेचकर यूसुफ और मरियम को चेतावनी दिया कि तुम यहाँ से मिस्र चले जाओ, क्योंकि हेरोद यीशु मसीह को मारना चाहता है, हानि पहुँचाना चाहता है। उस बात सुनते ही उसी रात वहाँ से चले गए। लेकिन रामा हमें यरूशलेम में, यहूदिया में, बेतलहम में सारे बच्चों को हेरोद ने मार दिया। घर में छोटे बच्चों को जब चोट लगे तो ही हमें बहुत दुख लगती है, लेकिन यहाँ बच्चों को मार दिया गया। ये बात सुनते ही कई घरों में दुख, निराशा, लड़ाइयाँ, झगड़े, कन्फ्यूजन, क्या है, हमारे बच्चों को क्यों ऐसा हुआ, इस दुख में थे। यही हेरोद की आत्मा है। हेरोद क्रोध में आ गया। देखो, आज भी अखबार में बताते हैं कुछ माता पिता क्रोध में आकर पति अपनी पत्नी पर गुस्सा बच्चों पर निकालता है, पत्नी अपनी पति के गुस्सा को बच्चों पर निकालती है और मार डालते हैं। उसके बाद न्यूज़ में आता है कि पिता ने अपने बेटे को मार दिया, एक माँ ने अपनी बेटी को मार दी, इस तरह हम न्यूज़ में देखते हैं। ये सब कब होता है? जब एक व्यक्ति गुस्सा ज़्यादा करता है, क्रोध ज़्यादा करता है, तब घर में मारपीट, लड़ाइयाँ, झगड़े होते हैं। जिनके घर में लड़ाइयाँ, झगड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ हेरोद की आत्मा होती है। वो हर समय आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, एक दूसरों को उकसाता है,
क्रोध में आता है, लड़ाइयाँ करता है। क्रिसमस के समय में बहुत सारे घरों में यही होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस का समय है कि यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। यीशु मसीह उद्धारकर्ता की तरह हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र बनाकर स्वर्ग लेके जाने के लिए आया हुआ एक मेमना है। यीशु मसीह हमें शांति समाधान देना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस के समय में जितना हो सके उतना प्रार्थना करो, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है। और परमेश्वर की गीत गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो और अपना फैमिली से एंजॉय करो। लेकिन जब घर में एक व्यक्ति लड़ाई करता है तो आप भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। जब आप बात बात में लड़ाई ज़्यादा करते हैं तब हेरोद की आत्मा आता है और आपके घर में शांति समाधान आनंद को छीन लेता है। इसीलिए सावधान रहना कि आप इस हेरोद की आत्मा के जाल से बच जाए। आइए आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ इस हेरोद ने प्रभु क्रोध में आकर गुस्से में उस समय यरूशलेम यहूदिया बेतलहम आसपास के 2 साल से कम से बच्चों को सबको मार दिया। उनके बहुत सारे घरों में पीड़ा प्रभु वेदना हुई, लेकिन परमेश्वर आप अपने प्रेम रखने वालों को बचाते हैं, शांति समाधान देते हैं। इस क्रिसमस के समय में कोई भी घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट ना होने दे, प्यार शांति समाधान दे। नए साल में प्रार्थना के साथ स्तुति के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद कर। इस वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर, उनके जबानों को तू ही कंट्रोल कर पिता, उनको पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग दे, हर एक बात सोच समझ कर बात करने के लिए, प्यार समाधान से अपने बच्चों की परिवार की देखभाल करने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।